हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो हमारी ये जैसे आजकल की रोज की रूटीन ये है कि बिना गूगल के, बिना जीमेल के, बिना यूट्यूब के कुछ आप लोग बिना उसके काम ही नहीं होता। तो इतना सारा सर्च करते हुए या किसी का चैनल सब्सक्राइब करना हुआ या फिर कोई चीज़ सर्च करना हुआ, यूट्यूब में कोई चीज़ सर्च करना हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हिस्ट्री हो जाती है उस हिस्ट्री को कैसे हम लोग डिलीट करें, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके की जो हिस्ट्री आ जाती है उसको आप क्लियर करने के लिए, आप क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल बेसिकली जो भी आप सर्च करते हो उसको आप अपनी हिस्ट्री में वो सेव करता रहता है। तो जब भी आप कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ एक वर्ड लिखोगे तो आगे को पूरा दिखा देता है, ठीक है वो। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हिस्ट्री हो जाती है। हिस्ट्री के लिए बेसिकली क्या होता है, हिस्ट्री डिलीट करने के लिए तो आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे गूगल का ही एक है, यहाँ पे आप जाएंगे myactivitygoogle.com, ठीक है, इस पर जाएंगे, ये देखिए ना, ध्यान से देखिए, ये इस पर जाएंगे, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, एक तो आप चाहो तो लोकेशन वगैरह सब बंद कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन है, अगर ये ऑन है तो इसको यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ भी कर सकते हो। लोकेशन हिस्ट्री ऑन है, हिस्ट्री ऑन है, ये सारी चीज़ें ऑन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका सारा हिस्ट्री सेव हो रहा होगा, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे जो जो चीज़ें इस पर सर्च की गई हैं वो आपके फ़ोन पे, जो भी चीज़ें आपके फ़ोन पे सर्च की गई हैं ये सारी चीज़ें उस पर दिखा रहा है, ठीक है। तो उस पे कैसे आपको रिमूव करना, उसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे अभी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो वो रिमूव हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखें डिलीट बाय एक्टिविटी देख सकते हो, तो यहाँ पे जब डिलीट बाय एक्टिविटी पे जाएंगे, डिलीट एक्टिविटी बाय पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लास्ट, अगर आप एक घंटे का डिलीट करना चाह रहे हो तो लास्ट आवर यूज़ कर सकते हो, लास्ट डे एक दिन का यूज़ करना चाह रहे हो तो एक दिन का डिलीट कर सकते हो, ऑल टाइम पे अगर सारी हिस्ट्री आप डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखे ना, इसमें सारी चीज़ें हैं, जिस चीज़ की आपको हिस्ट्री नहीं डिलीट करनी उसको अनचेक कर देना, ठीक है, उसके बाद जिस चीज़ की डिलीट करनी उसको चेक करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसी ऑप्शन पे आते हैं, और कस्टम रेंज, अगर कस्टम रेंज चाह रहे हो तो आप डेट वाइज, यहाँ से मतलब अगर सपोज डेट आपको एक महीने की डिलीट करना है, बैक में जाइएगा, मार्च से अगर सेलेक्ट किया आपने, एक मार्च से अभी करंट टाइम ले सकते हो या मार्च से, एक मार्च से लगा के 31 मार्च तक वो डिलीट कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जैसे कि आप डिलीट कर सकते हो इनको। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, सर्च एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ से आइटम व्यू देख सकते हो, अदर गूगल एक्टिविटी भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा दिखा देगा यहाँ पे, अब कौन सा कैसे आपको यूज करना है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रेंज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब डिलीट पे आएंगे तो वही चीज़, चाहे तो आप इस ऑप्शन पे डिलीट एक्टिविटी बाई पे जाएंगे तभी भी वही चार ऑप्शन आएंगे, उसके बाद अगर यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो इनमें से आपको, वैसे अगर आपको पूरा डिलीट करना है तो ऑल टाइम करके आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो टोटल डिलीट हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये गूगल की हिस्ट्री जो भी है डिलीट कर सकते हो, ताकि इससे क्या होता है, फ़ोन स्लो भी हो जाता है, क्योंकि जब भी लोड करता है तो पूरी हिस्ट्री समेत ये लोड करता है, क्रोम है, जो भी है ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करना, और मुझे आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा ये वीडियो था और छोटी सी जानकारी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज के दिन दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर यार हमारे वीडियो पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर करो, घंटे का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि इससे लोगों को पता चलता रहे, अगर मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के दिन फिर इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।